तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कित्रेसुकी 1987 की मूवी का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार, सीन शुरू होता है कित्रेसु के घर से, और वहाँ कित्रेसु के रूम में कित्रेसु डायका पढ़ रहा होता है और कुरुसुके भी तलवारबाजी कर रहा होता है। किसके साथ? अपने आप से। तो तब कित्रेसु की मॉम ऊपर आती है और बोलती है, तुम बाहर जाके क्यों नहीं खेलते? तो कित्रेसु बोलता है कि मैं कुछ देर में चला जाता हूँ, और फिर उसकी मॉम नीचे चली जाती है। फिर कुरुसुके बोलता है कि हम बूटा गोला का डर की वजह से नहीं जा पा रहे, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो कित्रेसु बोलता है, मैं देखता हूँ, और डायका पढ़ने लगता है। कित्रेसु बोलता है कि हम उसे सबक सिखा सकते हैं मिराज मेकर नाम की डिवाइस की मदद से। तो कित्रेसु उसे अलमारी से निकालता है और कुरुसुके बोलता है, तो ये डिवाइस तुमने बना के रखा है? तो कित्रेसु बोलता है कि इसमें अभी भी बहुत सारे पार्ट्स लगाना बाकी है। तो उसी वक्त कित्रेसु की मॉम वापस ऊपर आते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि जाओ जाके बाहर जाके खेलो, और कित्रेसु और कुरुसुके भागते हुए बाहर चले जाते हैं। और वहां हमें दिखाया जाता है कि बूटा गोरिल्ला तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके साथ कोंची और टोंगारी है। और हमें दिखाया जाता है कि बूटा गोरिल्ला एक ही फ्लो में पूरे पेड़ को काट देता है। क्या गजब की पावर थी इसमें। कित्रेसु और कुरुसुके दोनों बाहर वॉक कर रहे होते हैं, और तभी कित्रेसु डस्टबिन के पास से एक लेंस उठाता है और बोलता है, ये मेरे इन्वेंशन में काफी काम आएगा। और तभी वहाँ पे बूटा गोरिल्ला आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और कुरुसुके और कित्रेसु दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कित्रेसु तो भाग जाता है, लेकिन बूटा गोरिल्ला कुरुसुके को पकड़ लेता है। लेकिन कित्रेसु बच के अपने घर चला जाता है, और उसके बाद घर जाके अपने इन्वेंशन में खो जाता है। बट वहाँ बूटा गोरिल्ला कुरुसुके को बांध के उसे पेड़ से टांग देता है। तो तब वहाँ मियोको आती है और बोलते है, तुमने कुरुसुके को क्यों बांध के रखा है? तो वो बोलते हैं कि इसने हमें फाइट के लिए चैलेंज किया था। तो मियोको समझ जाते है कि बूटा गोरिल्ला का दिमाग खिसक चुका है, और इसीलिए वो कित्रेसु के पास चली जाती है कुरुसुके को बचाने के लिए। तो उसके बाद वो कित्रेसु के पास जाती है, और वो देखती है कि कित्रेसु अपना इन्वेंशन कर रहा होता है। तो मियोको कुरुसुके के बारे में कित्रेसु को बोलती है, तो कित्रेसु बोलता है कि मैं कुरुसुके के लिए ही ये इन्वेंशन बना रहा हूँ। और तभी कित्रेसु का इन्वेंशन भी पूरा हो जाता है, जिसका नाम होता है मिराज मेकर। उससे कित्रेसु आसपास मिराज क्रिएट कर सकता है। सो तभी कित्रेसु उसे ऑन करता है, और आसपास रोड का मिराज क्रिएट हो जाता है, और मियो को इससे सरप्राइज हो जाती है, काफी ज्यादा सरप्राइज। तो उसके बाद कित्रेसु मियोको के साथ शहरों के मिराज बनाने लगता है, और बेचारे कुरुसुके को अकेला भूल जाता है। बट जब उसे कुरुसुके की याद आती है, तो वो जल्दी से वहाँ चला जाता है जहाँ उसे बांध के रखा गया है। वहाँ कित्रेसु सबसे पहले भेड़ियों का मिराज बना के बूटा गोरिल्ला और उन दोनों को डराता है, और फिर वो कुरुसुके को बचा के लेके आता है, एंड देन इजिप्ट का मिराज बनाता है। और कित्रेसु के डिवाइस की एक खास बात यह है कि वो मिराज के साथ वो फीलिंग्स को भी फील कर सकते हैं। जैसे इजिप्ट में गर्मी पड़ती है, तो वो गर्मी को फील कर पा रहे थे। वहाँ कित्रेसु एक पूल का मिराज बनाता है, और बूटा गोरिल्ला कोंची और टोंगारी तीनों ही अपने कपड़े उतार के उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन वो तो बस एक मिराज था। और तभी कित्रेसु डिवाइस को भी ऑफ कर देता है, और वहाँ बहुत सारे लोग उन तीनों को देख रहे होते हैं। उससे वो तीनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और घर भाग जाते हैं। और उसके बाद कित्रेसु और कुरुसुके घर आ जाते हैं, और कुरुसुके उसमें अमेज़न के जंगलों का मिराज बना देता है। और तभी कित्रेसु की मॉम ऊपर आती है, और वो एक सांप को देख के वही बेहोश हो जाती है। एंड देन इसी चहल पहल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस मूवी के अभी भी 3 पार्ट्स और आने हैं, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए बाय बाय।